पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते भारत में आए आतंकियों द्वारा पठानकोट के एयरबेस पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों के हमले के बाद देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और देश भर में पुलिस ने नाके लगाकर हर आने जाने वाले वाहनों की जांच शुरू कर दी। पानीपत में जहां पुलिस ने शहर भर में नाके लगाकर जांच की, लेकिन वहीं पानीपत के सबसे व्यस्त रहने वाले स्टेशन पर पुलिस की शायद नज़र नहीं है। रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले मुख्य द्वार पर कोई भी सुरक्षाकर्मी नज़र नहीं आ रहा और ना ही स्टेशन के बाहर बने पुलिस बूथ पर कोई सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहा है। बस स्टैंड पे चेकिंग अभियान जो है उच्च अफसरों ने आदेश दिए थे, पठानकोट वाली जो घटना है उसके मद्देनज़र रखते हुए चेकिंग अभियान शुरू किया है और सुबह से ही आज ये बस स्टैंड के अंदर चेकिंग की जाए। बस स्टैंड के अलावा पूरे जो मेरे सिटी एरिया में है पूरे टोटल नाके लगाए हुए हैं, हर चौक के ऊपर नाका है और सभी व्हीकलों को अच्छे से चेक किया जाए। पानीपत से जहा टीवी न्यूज़ के लिए सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।